अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारिक मीर। दोस्तों, आखिर ये बंदा ओवरनाइट वायरल कैसे हुआ था और अमेरिकन पॉपुलर टीवी एक्टर पीटर डिंकलेज से इसका क्या ताल्लुक था और ये बंदा बी टाउन यानी बॉलीवुड में कैसे आ पहुंचा, ये सब आप लोग के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे नए दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कश्मीर रिलेटेड और बाकी दुनिया रिलेटेड भी 24/7 इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ ऑथेंटिक कॉन्टेंट्स भी देखने को मिलते ही रहते हैं। दोस्तों, ये बंदा तारिक मीर ओवर नाइट लाइमलाइट में कैसे आया था और कौन था इस सब के पीछे, ये सब डिस्क्लोज करने से पहले यहाँ पे कहानी को थोड़ा सा मैं घुमा लेता हूँ, ताकि जो मैं आपको बाद में बोलूंगा वो आपको समझ में आए। दोस्तों, आप में से बहुत सारों को चीज मालूम होगी, एक फेमस टेलीविजन सीरीज थी जो कि HBO पे आती थी, गेम ऑफ थ्रोन्स। उसमें एक पॉपुलर कैरेक्टर था टायरन लैनिस्टर, जिसका रियल नेम पीटर हेडन डिंकलेज है। इसकी हाइट सिर्फ 4 फीट 5 इंच की है। इस सीरीज की वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया। अब आपको मैं तारिक मीर ओवरनाइट कैसे लाइमलाइट में आया था और इतना वायरल हुआ था कि इस बंदे ने सीधे ही बी टाउन में एंट्री मार दी। दोस्तों, तारिक मीर अनंतनाग के बुमथन विलेज से ताल्लुक रखता है और ये बंदा कश्मीरी थिएटर में छोटे मोटे रोल करता ही रहता था। पर दोस्तों, एक दिन पहलगाम में पहलगाम फिल्म फेस्टिवल चल रहा था और वहाँ पे बॉलीवुड फेमस डायरेक्टर इम्तियाज अली की नजर इस बंदे पे पड़ी और उसने इसके साथ एक सेल्फी ली और उस सेल्फी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया। और दोस्तों, कुछ मिनट के बाद ही वो पिक उसने इंटरनेट पे, दैट पिक मेक इंटरनेट कम्प्लीटली अनस्टॉप, और ये पिक पूरे इंडिया में इतनी वायरल हो गई कि सब यही कहते थे कि ये पीटर डिंकलेज है। और यहाँ से इस बंदे की लाइफ में ऐसी किक मिल गई कि इसको सीधे सलमान खान की मूवी में एक छोटा सा रोल मिल गया। पर उसके बाद तारिक मीर को एकता कपूर की मूवी यू टर्न में भी रोल मिला। तो इस तरह से इस आम से कश्मीरी की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। दोस्तों, लाइफ इज रियली अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी कहानी तारिक मीर की। चैनल के साथ जुड़ जाना, वीडियो में अब सबका बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।